नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या होता है बायोलॉजी? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, देखो ये बायोलॉजी है वो है ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, अब देखो इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मीन क्या होता है, ये बायोलॉजी कहाँ से आया, किस वजह से इसे हमने बायोलॉजी बोला। देखो इस बायो का मतलब होता है, बायो यानी मतलब लिविंग, लिविंग यानी कि सजीव, सजीव। इस लॉजी का मतलब होता है, लॉजी मतलब टू स्टडी अध्ययन। अब इस बात से पता चल रहा होगा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजी कहते हैं। सजीव, सजीव क्या होते हैं यानी कि लिविंग क्या होते हैं, हम लिविंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। जैसे देखो एक हमने टीवी देखा, टीवी क्या होता, टीवी में क्या करेक्टर है कि वो सजीव है या लिविंग है, उसे हम कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है। तो किसी को पता करने के लिए हमें क्या, ये कुछ प्रोसेस के बारे में पता होनी चाहिए, यानी कि अगर उनके अंदर ये करेक्टर मैच है तो वो सजीव होगा वरना वो निर्जीव। नंबर एक जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है, यानी कि श्वसन, यानी किसी को सजीव कहने के लिए यानी कि लिविंग कहने के लिए उसके अंदर क्या रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि वो सांस लेता हो। नंबर दो क्या होना चाहिए उसमें, न्यूट्रिशन, यानी कि वो क्या फूड लेता हो, या तो किसी के ऊपर डिपेंड होगा या खुद बना के फूड को एब्जॉर्ब करता हो, यानी कि फूड खाता हो, यानी कि पोषण, पोषण करता हो। जब वो फूड को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या डाइजेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि फूड हम क्यों लेते हैं, फूड लेते हैं हम एनर्जी के लिए, और एनर्जी हमें कब मिलेगी, जब किसी फूड का क्या होगा डाइजेशन होगा तभी तो हमें एनर्जी होगी, यानी कि पाचन। जब तक हम किसी भी फूड का पाचन नहीं होगा जब तक हमें एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी। इसलिए जब न्यूट्रिशन यानी फूड ले रहे हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें डाइजेशन करना भी जरूरी है। तो इसलिए इसके बाद जब डाइजेशन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, तो उस फूड को जो पचा हुआ यानी जो पचा हुआ फूड है उसे बाहर निकालने की प्रोसेस होनी चाहिए, एस्क्रीशन, एस्क्रीशन यानी उत्सर्जन की। ठीक है, अगला पॉइंट उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। एक और हो सकता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी जन्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सजीव कब कहेंगे, जब उसके अंदर या तो रेस्पिरेशन हो यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया हो, न्यूट्रिशन यानी कि भोजन खाता हो यानी फूड लेता हो, फूड को एब्जॉर्ब करता हो। जब फूड लेगा, फूड क्यों ले रहे हैं, हमें क्योंकि एनर्जी चाहिए इसलिए हम फूड ले रहे हैं, एनर्जी हमें कम मिलेगी जब वो जो फूड है जब उस फूड का डाइजेशन होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस बायोलॉजी को सबसे पहले नाम किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट थे, तो लेमार्क, मार्क एंड ट्रेविनस, लेमार्क और ट्रेविनस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का नामकरण किया था, यानी कि उसको नाम दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमें पता चल गया कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, यानी कि बायोलॉजी की वह ब्रांच यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो क्या प्लांट्री, पहले आगे प्लांट भी सजीव होते, हाँ प्लांट सजीव होते, प्लांट लिविंग होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, होता है, प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। ऐसी कोई भी प्रोसेस, इनमें से तीन प्रोसेस जो मैच खाती हो वो ऑर्गेनिज्म सजीव होगा। प्लांट के अंदर देखो, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, तब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते भी हैं और खाते भी हैं। इसके बाद एक्सक्रीशन यानी कि जब प्लांट
एक्सटेंशन आपने देखो प्लांट के कभी कभी बाहर सेल वाल से ऊपर क्या है मोटी मोटी गांठ सी यानी कि गोंद टाइप का दिखता है, वो क्या होता है वो बेकार की चीजों को वो बाहर निकालता है जिसे हम गोंद कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ आपने देखो, पहले प्लांट छोटा होता है उसके बाद बड़ा होता है, तो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। यानी कि इन 6 प्रोसेसों में से जिस भी ऑर्गेनिज्म में 3 प्रोसेस मैच खा रही हो उसे हम लिविंग कहेंगे, सजीव कहेंगे। अब देखो, अब आपसे हम पूछे कि बायोलॉजी ब्रांच कितनी होती है, आप लोग बताओगे एक जूलॉजी और एक बॉटनी। नहीं, बायोलॉजी के कम से कम 55 ब्रांच होती है। जैसे आपने सुना होगा किसी से कि माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है, कि आप किसी से पूछ लगे आप किससे एमएससी कर रहे हो, तो सेल बायोलॉजी से। तो ये सब क्या है, ये सब सेल, ये सब किसकी बायोलॉजी की ब्रांच है जिन्हें, पर मेनली जो क्या है, मेनली जो ब्रांच है 2 है। नंबर 1 बॉटनी, बॉटनी यानी कि बॉटनी में अंदर प्लांटों की स्टडी करते हैं यानी कि पौधे। देखो सबसे पहले बॉटनी का जो नामकरण दिया था एक थियोफ्रस्टस नाम के वैज्ञानिक थे, थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस नाम के वैज्ञानिक ने बायोलॉजी को नाम क्या यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रस्टस। इनको इनको ही क्यों बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, एक बहुत बड़ा काम किया था, एक बुक लिखी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। ऐसा इस बुक में क्या लिखा है कि उन्हें इसका जन्मदाता कह दिया। इन्होंने इसमें क्या करा था, इन्होंने 500 प्लांटों के साइंटिफिक नेम दिए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद क्या था, जूलॉजी। जूलॉजी देखो, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जी ने जूलॉजी को, अरिस्टोटल जी को जूलॉजी का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया जो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, एक बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ एनिमिलिया। ऐसा इस बुक में क्या लिखा गया जो इनको इतना बड़ी उपाधि दी गई। तो इस बुक में क्या करा था इन्होंने, 500 एनिमल्स के, एनिमल्स के साइंटिफिक नाम दिए थे। अगर जूलॉजी के अंदर किस किस की स्टडी करते हैं, तो जंतु और प्राण। यानी कि अब आपको इस चीज से पता चल गया होगा, इसके इंट्रोडक्शन से, तो हमें बायोलॉजी पढ़ना क्या। तो बायोलॉजी देखो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो का, इस बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग यानी कि सजीव। और इस लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो ये जो लिविंग है, ये जो सजीव है, ये हम कब इसको सजीव बोलेंगे, हमें कैसे पता चलेगी कि ये सजीव है। तो देखो इसके इसके लिए कुछ करेक्टर होते हैं, जैसे इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होनी चाहिए, डाइजेशन की, एक्सक्रेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी मैच खा रही हो, इनमें से 3 प्रॉपर्टी मैच खा रही हो, उसे हम सजीव बोलेंगे। अब आप ये कहोगे सर क्या प्लांट भी सजीव होते हैं, हाँ प्लांट भी सजीव होते हैं, प्लांटों के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है। प्लांट आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो एक्सक्रेशन करते हैं, वो उनके अंदर ग्रोथ भी होता है, इसलिए हम प्लांटों को भी सजीव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप इस बायोलॉजी को, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जी को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। देखो ये बायोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन है, मैं एक एक स्टेप करके आपको पूरा बायोलॉजी 11th 10th BSc तक लेवल तक की पूरी बायोलॉजी इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री तो इस चैनल पर चली रही है। अगर आपको ये चीज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना। थैंक यू।